कैसे हैं आप सब? आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में दूसरी इकाई है कच्छ की सैर। इस इकाई के लेखक का नाम है हरीश धोलकिया। तो हरीश धोलकिया के बारे में बात करें तो कच्छ निवासी हरीश धोलकिया एक अध्यापक थे। शिक्षकत्व की आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारत्व आपके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य कौन सा है? अंगद नौपंख, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। कच्छ के आसपास के जो स्थल है उनका परिचय हरीश धोलकिया जी ने कराया है। इस इकाई के मूल्य है, इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो इस इकाई के शब्दार्थ एक बार देख ले। अनूठा यानी कि अनोखा, विशिष्ट, रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि, जीर्णोद्धार पुनः निर्माण, मजार दरगाह, गुरुद्वारा सिखों का धार्मिक स्थान, भूचाल तो भूकंप, बंदरगाह तो समुद्री जहाजों को ठहरने का स्थान। तो इस इकाई के शब्दार्थ इस प्रकार थे। अब हम कच्छ की सैर के लिए निकलते हैं। तो कच्छ की सैर करते करते हम इसमें पढ़ेंगे, विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। विशाल भारत है जो, उसमें अनेक दर्शनीय प्रांत हैं, अलग अलग प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। हर एक स्थल का अलग अलग प्रकार का महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। उन सभी राज्यों में से गुजरात राज्य अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, जो गुजरात का अत्यंत सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। जो यात्री आते हैं कच्छ में घूमने के लिए, उनके लिए आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्यों के कारण कच्छ में अनेक दर्शनीय स्थलों के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहा जाता है, कह सकते हैं। अब आगे देखें पेज नंबर 12 पे। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम कच्छ में प्रवेश करते हैं, हमें रेगिस्तान यानी कि रण प्रदेश के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। हम रेगिस्तान को रण प्रदेश कहते हैं और रण प्रदेश में क्या होती है? रेत होती है। लेकिन यह रेगिस्तान ऐसा है कि रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण ही दिखाई नहीं देता है, रेत कहीं नजर नहीं आती। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है, इसीलिए उसे अनूठा यानी कि अनोखा रेगिस्तान कह सकते हैं। विशिष्ट प्रकार का रेगिस्तान हम कह सकते हैं। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ में जैसे हम जाते हैं वैसे सामख्याली आता है सर्वप्रथम। तो सामख्याली को हम क्या कहते हैं? तो कि प्रवेश द्वार यानी कि अंदर जाने का मुख्य दरवाजा। सामख्याली में जाते हैं तो अंदर जाने का प्रवेश द्वार खुल जाता है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। सामख्याली से ही कच्छ की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। सामख्याली से आप उत्तर दिशा की ओर बढ़े तब यात्रा का प्रारंभ होता है। अब रापर से धोलावीरा पहुँचते ही, रापर से आप जैसे ही धोलावीरा पहुँचते ही हमारी जो प्राचीन संस्कृति है मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। हम जैसे ही रापर से धोलावीरा पहुँचते हैं, हमें हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो की याद आ जाती है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। यह जो स्थल है धोलावीरा, वह 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है।
इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं, इतनी सुंदर नगरी है। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। जो वो नगरी है जो मोहेंजोदड़ो धोलावीरा वाली, वहाँ प्राचीनता में आधुनिकता, प्राचीन भी है और आधुनिक भी है। आगे देखें, सामख्याली से पश्चिम की ओर, सामख्याली से हम जैसे पश्चिम की ओर जाते हैं तो पश्चिम की यात्रा करते भचाव नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। आप सबको पता ही होगा भचाव यानी कि जो जेठालाल है जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में आते हैं, तो भचाव भी, तारक मेहता भी भचाव शहर के ही है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। भचाव से आगे जाए तो गांधीधाम आता है जो औद्योगिक कारखानों का शहर है। यह सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। जो भचाव है, गांधीधाम है, गांधीधाम में औद्योगिक कारखानों का शहर है, इसीलिए पाकिस्तान से जो सिंधी प्रजा है वह वहां आकर स्थायी हो गई है, बस गई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर, गोपालपुरी, गांधीधाम अनेक उद्योगों है, इनके कारण ही वह एकदम विकसित है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, बंदरगाह यानी कि समुद्री जहाजों को ठहरने का स्थान, जो कंडला में सबसे बड़ा है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंडला का जो विकास है वो यहाँ की प्रजा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर, कंडला से जैसे ही दक्षिण की ओर हम जाए तो भद्रेश्वर अति प्राचीन यानी कि पुराना जैन यात्रा धाम है, जैनों का यात्रा स्थल आता है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय, संगमरमर नाम के पत्थर से बना हुआ 2500 वर्ष पुराना जिनालय, जिनालय यानी कि जैनों का मंदिर, भूकंप में खंडित हुआ। जब भूकंप हुआ था तब वह खंडित हो चुका था, उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। पुनर्निर्माण यानी से फिर से उसका कामकाज चल रहा है, इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। पहले टूटा फूटा हो गया था लेकिन जैसे आधुनिकता का स्पर्श मिला वह बहुत अच्छा हो गया है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है, मुंद्रा शहर तालुका का मुख्य केंद्र भी है। यह अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है, यहाँ पे अनेक उद्योग है इसीलिए हर लोगों को अपनी जो रोजी रोटी है वो मिल सकती है, सभी लोगों के लिए विकास की दिशा भी खुली दिखाई देती है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है, जिन जिन समुद्र है उनके किनारे पर बंदरगाह विकसित हुआ है, बंदरगाह यानी कि बड़े बड़े जो समुद्र, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उसके ठहरने का स्थान। यह कुछ प्राचीन इमारतें भी है, वहाँ पे बहुत पुरानी इमारतें भी हमें देखने को मिलती है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँच जाते हैं, समुद्र के किनारे पहुँचते हम यात्रा करते करते हम मांडवी पहुँच जाते हैं। मांडवी भी अति सुंदर बंदरगाह है, मांडवी में भी सबसे बड़ा बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है, मांडवी बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। मांडवी जो है वो राजा के महल, पवन चक्किया, समुद्र तट, इन सभी दर्शनीय स्थलों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यह VRTI ग्रामीण संस्था है, यहाँ पर VRTI नाम की ग्रामीण संस्था है। 72 जिनालय है, अधिक मात्रा में जैनों के मंदिर भी है। पास में ही बिदड़ा नाम का गांव है, वह अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है। मांडवी से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है, यह सभी स्थल देखने लायक है। जैनों का प्राधान्य यह नजर आता है, इन सभी स्थलों पर हमको जैनों का प्राधान्य देखने को मिलता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है, नलिया शहर जो है वह बहुत बड़ा प्रसिद्ध शहर है, यह वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया शहर जो है वो बहुत बड़ा शहर है, प्रसिद्ध शहर है, तो वहाँ वायुसेना का जो मुख्य मथक है सबसे बड़ा मुख्य मथक है। तो आगे की जो इकाई है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।